हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है हाइपोसाइक्लॉइड। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके पहले के दो टॉपिक्स इसके कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने इसका पढ़े थे साइक्लॉइड, सेकंड टॉपिक हमने इसका पढ़े थे एपिसाइक्लॉइड, और आज हमें थर्ड टॉपिक कवर करना है जो कि है हाइपोसाइक्लॉइड। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स जो कि साइक्लॉइड और एपिसाइक्लॉइड के थे अगर वो स्टडी नहीं किए हैं तो आप उसे स्टडी करिए। स्टडी करने के लिए उसका लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके वो लिंक के ऊपर क्लिक करके तुरंत आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल टिकलेज एकेडमी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर। आज हमें स्टडी करना है हाइपोसाइक्लॉइड। तो क्वेश्चन क्या रहेगा इसके लिए वो देखते हैं। क्वेश्चन ये देखिए ऐसा रहेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने, ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ सर्कुलर प्लेन ऑफ 50 mm डायमीटर विच रोल्स इनसाइड द सर्कुलर पाथ ऑफ 75 mm रेडियस विदाउट स्लिपिंग फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नेम द कर्व। तो क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे फिर से दो सर्कल की बात हो रही है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर एपिसाइक्लॉइड के ऊपर जो था वो अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि एपिसाइक्लॉइड में भी दो सर्कल की बात हो रही थी। एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। कोई सर्कुलर प्लेन अगर दूसरे सर्कुलर पाथ के बाहर से अगर घूम रहा है, ऐसा अगर चल रहा है फॉर वन रिवॉल्यूशन, तो ऐसे कंडीशन में एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ होता है। और अगर वही सर्कुलर प्लेन अगर कोई कर्व के अंदर से अगर वो रोल करेगा, ऐसे कंडीशन में हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ होता है। तो सर्कुलर पाथ के अंदर से अगर कोई सर्कुलर प्लेन रोल करेगा फॉर वन रिवॉल्यूशन, देन ऐसे कंडीशन में हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ होता है। तो एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड में यही एक बिग डिफरेंस है। एपिसाइक्लॉइड में सर्कुलर प्लेन दूसरे सर्कुलर पाथ के ऊपर रोल करता है, इट मींस सर्कुलर प्लेन दूसरे सर्कुलर पाथ के बाहर से रोल करता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ अदर सर्कुलर प्लेन, और हाइपोसाइक्लॉइड में वही सर्कुलर प्लेन अदर सर्कुलर पाथ के अंदर से रोल करता है। अगर वो अंदर से रोल करे माने इनसाइड द पाथ अगर रोल करे देन हाइपोसाइक्लॉइड बनता है, और अगर आउटसाइड द पाथ अगर वो रोल करे तो वो एपिसाइक्लॉइड बनता है। तो ये एक बिग डिफरेंस है। इट मीन्स एपिसाइक्लॉइड या हाइपोसाइक्लॉइड के जब भी कोई क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि सर्कुलर प्लेन आउटसाइड द सर्कुलर पाथ के ऊपर से रोल कर रहा है या अंदर से रोल कर रहा है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में ड्रॉ एपिसाइक्लॉइड या ड्रॉ हाइपोसाइक्लॉइड ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं होता। क्वेश्चन में अगर लिखा है सर्कुलर प्लेन रोल्स ऑन अनदर सर्कल आउटसाइड द सर्कल, देन ऐसे कंडीशन में एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ होता है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है सर्कुलर प्लेन रोल्स इनसाइड द सर्कुलर पाथ, देन ऐसे कंडीशन में हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ होता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। तो चलो आज हमें हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है। तो हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ करते समय आपको क्या पता होना चाहिए, सर्कुलर प्लेन सर्कुलर पाथ के अंदर से रोल करता है फॉर वन रिवॉल्यूशन विदाउट स्लिपिंग। एपिसाइक्लॉइड हमने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर्स में स्टडी किए थे। आप लोगों ने अगर अभी भी स्टडी नहीं किया है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एपिसाइक्लॉइड का लिंक दे दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है हाइपोसाइक्लॉइड। क्वेश्चन तो आपने स्टडी कर लिया है, क्वेश्चन में जो लिखा है उस हिसाब से दो सर्कल की बात हो रही है। 50 mm डायमीटर वाला जो सर्कल है वो ये है, और 75 mm रेडियस का जो सर्कल है वो ये है। तो आइए देखते हैं हाइपोसाइक्लॉइड कैसे बनता है। एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड दोनों में लगभग लगभग कंस्ट्रक्शन सेम है, हल्का एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी हमने आपको बताए थे। एपिसाइक्लॉइड में याद करो हमने क्या किए थे, एपिसाइक्लॉइड में हमने एक एंगल थीटा फाइंड आउट किए थे, वही थीटा एंगल आपको यहाँ हाइपोसाइक्लॉइड में भी फाइंड आउट करना है।
थीटा एंगल फाइंड आउट करने से हमें ये पता चलता है कि सर्कुलर प्लेन को सर्कुलर पाथ के ऊपर रोल करने के लिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना एंगल लगता है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू 360। स्मॉल आर माने छोटा वाला जो सर्कुलर प्लेन है उसका उसका रेडियस, तो ये हो जाएगा 25, और कैपिटल आर माने जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस जो कि 75 है इंटू 360, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली दैट इज 120 डिग्री। एपी साइक्लॉइड जो हमने इसके पहले स्टडी किए थे उसमें भी एंगल 120 डिग्री ही आया था, तो यहाँ भी एंगल 120। तो ये 120 डिग्री आने से हमें ये पता चलता है कि सर्कुलर प्लेन को अगर सर्कुलर पाथ के अंदर से वन रिवॉल्यूशन पूरा करना है, एक चक्कर पूरा करना है, तो उसके लिए उसको 120 डिग्री का एंगल लगता है। तो आइए हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे आप कहेंगे ओ, और अब इतना होने के बाद प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर से ये 120 डिग्री जो आपने एंगल निकाले वो यहां पे प्रोटेक्टर रख के आप एंगल फाइंड आउट करेंगे 120 डिग्री का। तो ये हमने 120 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ये देखिए, और यहां पे आप 120 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये आप एंगल यहां पे लिखेंगे 120 डिग्री। इतना होने के बाद जो सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया है वो रेडियस 75 दिया है, तो वो 75 mm आप कंपास में ले लेंगे और वो यहाँ पे रख के आप 75 mm यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमने 75 mm मार्क किए यहाँ पे, तो ये आपने 75 mm मार्क किए, इसको हम कहेंगे पॉइंट P, इसको हम कहेंगे पॉइंट P। तो ये हमने 75 mm मार्क किए, तो ये हमने 75 mm मार्क किए। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये 75 mm का लेंथ है, और अब ये जो रेडियस आपने मार्क किया दैट इज 75 mm, इसका एक आप आर्क बनाएंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा एक आर्क बनाएंगे, ओ एज अ सेंटर लेके, ओ एज अ सेंटर लेके ओ से पी का लेंथ ले लो, और आप ऐसा आर्क बनाएंगे। ये जो हमने बनाया है ये है सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ के अंदर से सर्कुलर प्लेन को रोल कराना है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसको कहते हैं बेस सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल, और जो सर्कुलर प्लेन हमें रोल कराना है वो सर्कुलर प्लेन को कहते हैं रोलिंग सर्कल और जनरेटिंग सर्कल। इसके पहले की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए थे, तो आइए यहाँ पे रोलिंग सर्कल जनरेटरी सर्कल बनाते हैं। रोलिंग सर्कल का डायमीटर दिया है 50 mm, तो आप क्या करेंगे, पी से लेके इधर आप अंदर में 50 mm मार्क करेंगे। तो पी से आप अंदर 50 mm मार्क करेंगे, तो ये आपने 50 mm ले लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 50 mm ले लिए, तो ये हमने 50 mm मार्क कर लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने 50 mm मार्क कर लिए। इसका सेंटर ले लो मिड पॉइंट दैट इज 25 mm पे, इसको हम कहेंगे सेंटर सी, और अब एज अ सेंटर सी, सी से लेके पी का लेंथ लो और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो। यहाँ पे आपको जनरेटिंग सर्कल जो रोलिंग सर्कल है, यहाँ पे आपको जनरेटिंग सर्कल जो रोलिंग सर्कल है वो आपको ड्रॉ करना है। तो सी एज अ सेंटर लेके आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो फाइनली हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और अब ये सर्कुलर प्लेन, ये जो हमने सर्कुलर प्लेन बनाया है इसको कहते हैं रोलिंग सर्कल और जनरेटिंग सर्कल। तो अब ये सर्कुलर प्लेन को हमें 12 पार्ट में डिवाइड करना है, 12 पार्ट में डिवाइड करना या 8 पार्ट में डिवाइड करना, चॉइस आपकी है। हम चाहे तो इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या 8 पार्ट में भी। अगर सर्कल काफ़ी बड़ा है तो आप उसको 12 पार्ट में डिवाइड करो, और अगर सर्कल छोटा है तो आप उसको 8 पार्ट में डिवाइड करो। वैसे इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना आसान है, तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे, और परपेंडिकुलर लेंगे ताकि सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। और अब सर्कल का रेडियस कंपास में लेंगे, रेडियस कंपास में लेके यहाँ रखेंगे, इधर कट करो, इधर कट करो, उतना ही लेंथ रेडियस का आप यहाँ रखो, इधर और इधर कट करो, उतना ही लेंथ रेडियस का आप यहाँ रखो, ऊपर और इधर कट करो, उतना ही लेंथ रेडियस का आप यहाँ रखो, इधर और इधर कट करो। तो फाइनली ये सर्कुलर प्लेन को हम 12 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
तो ये हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसको नेमिंग देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इसके पहले जो हमने ईपी साइक्लॉइड पढ़े थे उसमें हमने नेमिंग क्लॉकवाइज दिए थे, लेकिन इस बार हमने एंटी क्लॉकवाइज दिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो सर्कुलर प्लेन है, ये सर्कुलर प्लेन अंदर से ऐसा रोल करते हुए जाएगा, जब ये रोल करते हुए जाएगा तब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसलिए हमने नेमिंग भी एंटी क्लॉकवाइज दी। ईपी साइक्लॉइड में हमने पढ़े थे कि रोलिंग सर्कल क्लॉकवाइज चल रहा था, इसलिए हमने नेमिंग क्लॉकवाइज दिए थे, लेकिन यहाँ पे रोलिंग सर्कल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसलिए हमने नेमिंग भी एंटी क्लॉकवाइज दी है। तो आइए आगे देखते हैं। इतना होने के बाद क्या करो, ये जो आपने सर्कल है, सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो एंगल 120 डिग्री को भी 12 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये एंगल 120 है, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 120 बाय 12, तो वो आएगा 10 डिग्री, और वो आप प्रोटेक्टर से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर आप यहां रखो और 10-10 डिग्री के हिसाब से इसको 12 पार्ट में डिवाइड करो, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। और आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, 10 डिग्री की लाइन, 20 डिग्री की लाइन, 30 डिग्री की लाइन, 40 डिग्री की लाइन, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री एंड ये 120 डिग्री। इतना सब होने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो सर्कुलर प्लेन के ये जो जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से भी आप आर्क बनाएंगे। तो ये O से 6 का लेंथ ले लो और ये 6 का आर्क बनाओ, O से 5 और 7 का आर्क बनाओ, O से 4 और 8 का आर्क बनाओ, O से 3 और 9 का आर्क बनाओ, O से 2 और 10 का आर्क बनाओ, देन 1 और 11 का आर्क, इस तरह से। तो O से आप लेंगे, O एज अ सेंटर, आप O से लेके ये सब काम करेंगे। तो O से आप 1 का पहले आप लेंथ ले लो, 1 और 11 दोनों एक ही आर्क पे आएगा, ये देखिए ये 1 और 11 का आर्क हो गया। फिर O से लेके 2 का लेंथ ले लो, 2 और 10 एक आर्क पे आएंगे, तो ये 2 और 10 दोनों एक आर्क पे आ रहे हैं, ये देखिए। देन इसके बाद 2 से लेके, देन इसके बाद O से लेके 3 का लेंथ ले लो, 3 और 9 दोनों एक ही आर्क पे आएंगे, ये देखिए। देन इसके बाद O से लेके ये 4 का लेंथ ले लो, 4 और 8 एक ही लाइन पे आएंगे, तो ये 4 और 8 एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ये देखिए। देन इसके बाद O से लेके 5 का लेंथ ले लो, 5 और 7 ये दोनों एक ही लाइन, एक ही आर्क पे आएंगे। देन 6 का लेंथ ले लो और ये 6 का आर्क बनाएंगे। और अब इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो सेंटर है रोलिंग सर्कल का, ये जो सेंटर है, ये सेंटर का भी एक आप आर्क बनाएंगे। तो O एज अ सेंटर, O से लेके C तक का लेंथ लेंगे और C का भी एक आर्क बनाएंगे, तो ये C का आर्क बनाएंगे हम इस तरह से, ऐसे। तो इससे क्या होगा, ये जो सेंटर लाइन है, ये जो अपना सेंटर वाला आर्क है, ये 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको नेमिंग देंगे। तो यहाँ है C1, यहाँ रहेगा सेकंड पार्ट C2, फिर ये C3, देन C4, देन C5, देन C6, देन C7, देन C8, देन C9, देन C10, देन C11 और ये लास्ट में C12। तो फाइनली ये सेंटर लाइन भी 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और अब इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, हाइपोसाइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करेंगे, क्योंकि हमें हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है। रिमेनिंग हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। हाइपोसाइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करने के लिए आप कंपास लेंगे, कंपास में ये रोलिंग सर्कल का रेडियस कंपास में लेंगे। रोलिंग सर्कल का डायमीटर 50 mm है, लेकिन हमें इसका रेडियस कंपास में लेना है। तो रेडियस जो है इसका रेडियस 25 mm, वो आप कंपास में लेंगे और C1 के ऊपर रखेंगे। ये देखिए C1, ये C1 के ऊपर आप रखो और ये 1, ये रोलिंग सर्कल का ये जो 1 है, ये जो 1 वाला आर्क है, ये आर्क के ऊपर कट करो। तो ये C1 के ऊपर आप रखेंगे, ये देखिए C1 के ऊपर आप रखें और ये 1 के लाइन पे आप कट करो। तो ये हम यहाँ पे कट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ कट हो गया। अब उतना ही लेंथ आप C2 के ऊपर रखो और ये 2 का ये जो आर्क जा रहा है, 2 के आर्क पे कट करो, तो ये ऐसा। उतना ही लेंथ आप C3 पे रखो और 3 का ये जो आर्क जा रहा है, 3 के आर्क पे आप कट करो। उतना ही लेंथ आप C4 पे रखो और ये 4 का ये जो आर्क जा रहा है, इसके ऊपर आप कट करो। उतना ही लेंथ आप C5 पे रखो और ये जो 5 का आर्क जा रहा है, उसके ऊपर आप कट करो।
उतना ही लेंथ आप C6 पे रखो और ये जो 6 का आर्क जा रहा है उसके ऊपर आप कट करो, तो ये ओवरलैप करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे। उतना ही लेंथ आप C7 पे रखो और ये जो 7 का ये जो आर्क जा रहा है, मतलब 5 और 7 का आर्क एक ही है, तो वो वाले आर्क पे, तो C7 पे रखेंगे और ये 7 वाले आर्क पे आप कट करेंगे, तो ये इस तरह से। और ये एंटी क्लॉकवाइज कट करना है आपको, ये देखिए, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज कट करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज कट करना है। देन उतना ही लेंथ आप C8 पे रखो और ये 8 वाला ये जो आर्क है इसके ऊपर आपको कट करना है, लेकिन इधर नहीं, आपको इधर कट करना है क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आपको ये इधर कट करना है। उतना ही लेंथ आप C9 पे रखो, C9 पे रखो और ये 9 वाला ये जो आर्क है उसके ऊपर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमने यहाँ पे कट करे C9 के इस तरह से। उतना ही लेंथ आप C10 पे रखो और ये जो 10 वाला आर्क जा रहा है उसके ऊपर आप कट करेंगे, C10 के ऊपर रख के ये 10 वाले आर्क पे कट करो, तो ये इस तरह से। देन उतना ही लेंथ आप C11 पे रखो और ये 11 का ये जो आर्क जा रहा है 11 के आर्क पे कट करो, और लास्ट में ये 12 आपका यहाँ मिलेगा। जब आप C12 पे रखेंगे तो ये 12 यहाँ मिलेगा क्योंकि 12 वाला आर्क ये होगा। फाइनली इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपने हाइपोसाइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क किए वो सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए या तो आप फ्री हैंड ड्रॉ करो या तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करो। वैसे बताना चाहेंगे फ्रेंच कर्व का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेंच कर्व से कर्व बहुत ही अच्छा बनता है, कहीं पर भी जैसे आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन और अच्छे से स्मूथ आता है। और फ्रेंच कर्व का यूज़ करते समय मिनिमम 3-3 पॉइंट ज्वाइन करते हुए आपको हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है। तो आइए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग आपको पी से करना है, तो पी से स्टार्ट करते हुए इस तरह से यहाँ से आपका पूरा आखिर तक जाना है। तो फाइनली ये हाइपोसाइक्लॉइड का आर्क बन चुका है, ये कर्व बन चुका है, और अब नेमिंग देंगे। तो यहाँ पे P है, पॉइंट P, इसको आप पॉइंट P लिखो और अब यहाँ नेमिंग देना शुरू करो। ये P1, देन ये P2, P3, यहाँ पे P4, देन P5, देन यहाँ पे P6, देन P7, देन यहाँ पे P8, देन ये P9, P10, P11 और लास्ट में P12, और यहाँ लिख लेंगे हाइपोसाइक्लॉइड, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नेम द कर्व, तो ये आपको हाइपोसाइक्लॉइड है ऐसा आपको लिख लेना। तो फाइनली ये है हाइपोसाइक्लॉइड, तो ये हमने हाइपोसाइक्लॉइड बना लिए हैं। कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइपोसाइक्लॉइड बनाने के बाद वो स्ट्रेट लाइन के समान दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है, हाइपोसाइक्लॉइड जनरली ऐसा ही होता है। एपीसाइक्लॉइड जनरली कॉन्वेक्स शेप में होता है और हाइपोसाइक्लॉइड जनरली कॉनकेव शेप में होता है। हाइपोसाइक्लॉइड एंटी क्लॉकवाइज चलता है इसलिए कॉनकेव शेप में होता है, और एपीसाइक्लॉइड क्लॉकवाइज होता है इसलिए वो कॉन्वेक्स शेप में आता है। तो इस तरह से ये आज का हाइपोसाइक्लॉइड बन चुका है। आज के लेक्चर में हमने हाइपोसाइक्लॉइड पढ़े, इसके पहले हमने साइक्लॉइड और एपीसाइक्लॉइड कवर किए थे। आप लोगों ने एपीसाइक्लॉइड और साइक्लॉइड अगर नहीं स्टडी किए हैं तो उसका लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वहां से ज़रूर देख लीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ हमेशा आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।